चलो स्टार्ट किया गुड आफ्टरनून सर। जाए बेटा। वेरी 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 गुड आफ्टर नून। सर पहले 5 मिनट तो आपको ये टेप लगा के जानी हो कहीं पे कुछ काम करना, तो भी आप जा सकते हो। ऐसा है वैसे काम तो आसान हो जाए, रिकॉर्ड करके रख लो सर। इससे, मैं तुम्हारे को रिकॉर्ड करके इसी टाइम अगले अगले एक को बिठा के रिकॉर्ड में वीडियो का लिंक ना भेज दिया करूँ, तो पढ़ाई तो ज्यादा होगी ना उसमें, क्योंकि बात आफ्टरनून कम सर। नहीं बेटा। नहीं सर, बेटा वो फिर अच्छा मजा नहीं कैसे है। आएगा। वेरी वेरी। और तुम भी कभी भी वीडियो देख सकते हो। आपने बोला ना फील लेके पढ़ना चाहिए। कैसा फील? अभी मैं आराम से सो के, हाँ लेट के पढ़ाऊँ? लेट कैसे? हाँ सो जाओ बेटा। ये शरारती बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं? मतलब तेरा घर नहीं है, पार्थ का घर है। ओ पार्थ तू इसका मालिक नहीं है, तू इसका छोटा भाई गुड है आफ्टरनून सर। बेटा। वेरी वेरी गुड मैं इस आफ्टरनून। घर नहीं तू इस घर का छोटा भाई है मालिक बेटा। हूँ। गुड ये अपने आफ्टरनून वेरी सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कल अपने पैराबोला कंप्लीट कर लिया था, यस सर। आज तुम्हारी लाइफ में आने वाला है इलिप्स। क्या एलिप्स आने वाला बेटा? एलिप्स इलिप्स। लिप्स में इली डाल दो और हेलो फ्रेंड्स। समझाओ बेटा इलिप्स क्या होता है। यस सर। चलो आज इलिप्स की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ कुछ चीजें तुमको टर्मिनोलॉजी थोड़ी ध्यान में रखनी है। मैं बस एनसीईआरटी के नेमिंग यूज करूंगा, मुझे मेरे पास एनसीईआरटी, अदरवाइज मैं जेई वाली यूज कर लूंगा ना, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एनसीईआरटी यूज करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी मिल जाएगा बेस्ट 11th क्लास के 2 मिनट रुको। जो जो नेम उन्होंने किए होंगे तब तक मजे नहीं मारने, तब तक गाने गा करण करण। अरे 11th क्लास के यहाँ बैठे बेटा। फिर बड़ी की बड़ी की बड़ी की बड़ी की फाइल तो मेरे पास है, तो मैं भगवान मिल जाता है। होगी करना होगी। थैंक यू बेटा। बेटा स्टार्ट किया जाए। टॉपिक यस सर का नाम क्या बेटा? इलिप्स। आज थ्योरी ढंग से इलिप्स होता क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए। हेलो 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 बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? सर। बीच में आप अटक यस गए सर। थे। वही सर, बीच में आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर, मुझे ऐसा लगा मुझे मेरे नेट में प्रॉब्लम है। भी मुझे लग रहा है योर इंटरनेट अनस्टेबल। नो क्लास टुडे ड्यू टू अनस्टेबल अनस्टेबल इंटरनेट। इंटरनेट। बेटा मैंने सोचा कल तुम्हारी, अरे अरे तुम लोग केमिस्ट्री क्लास में क्यों कीड़े करते उसके? सर, उसको हम बुलाया भी नहीं था थोड़े सर। तो सर जैसे ही क्लास चालू अभी हुई भी थी ना कीड़े नहीं सर। करते। सर उसको कीड़े करने से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मतलब हम थोड़ी 5-10 मिनट मस्ती तो रोज करते, उसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि बैच कंबाइन कर दिया ना वो। अरे तो मेरे बर्थडे वाले दिन भी इसी चक्कर में फोन आया, मैंने उठाया नहीं, मुझे पता कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैंने सोचा मेरे को बर्थडे वाले दिन विश करने थोड़ी फोन आएगा, फिर फोन आया। वो बोली ऐसे रही थी कि हम पूरा क्लास ना बिगाड़ देते हो, बेटा तो बेटा हमने बोल दिया ठीक है हम कम कर देंगे, पर खत्म। हाँ तो वही, क्यों अभी नहीं क्या सर, बोल कुछ रहे भी हैं नहीं अभी। चाहिए। मैंने इसमें आगे साइड भी तो तुम्हारी ली थी, फिर वार पे उनकी मम्मी का फोन आया और तुम्हारे स्कूल के मैम ठहरे एक दो। सिर्फ फिर ऐसा बोल रही थी कि बोर्ड वाले पढ़ते नहीं है, और ऐसा सब बोल रही थी। तुम में से एक दो की तो पर्टिकुलर शिकायत की नाम लेके, सॉरी सर। एक दो की तू की सॉरी मांग रहा, तेरी तो शिकायत ही नहीं किसने।
बच गया तो फिर मुझे लगा प्रोबेबल मेरा नाम तो होगा। मिस्टर इससे उसने अपना कंफर्म कर मतलब लिया। ये कीड़े उसी को करो जो सहन कर सके, समझ में आ रहा है? हमने तो सर भड़काया भी नहीं है। नहीं, वो उसकी मम्मी का बोलना क्या था कि वो डबल मीनिंग, नहीं सुन 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 मेरी बात, हड़का है उसकी मम्मी क्या बोला कि डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते उस पे, और बोली मैंने भी एक दिन क्लास में बैठ के देखा था अभी जो, तो हमेशा एक दो बच्चे हमेशा डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते हैं। पर सर वो जब ये जब आपने एडवांस और ये अलग नहीं से तब होती थी, अब तो आप समझो उसकी जिनमें के साथ कभी कभी मस्ती होती थी, पर अब तो नहीं करते हम कोई। तो कहाँ से सर, एक वही तो तो शायद एक कास्ट वो जिनमें खुद हमारे बैच में, वो अलग बैच में। सर सोनू सर हम सब की साथ ही मस्ती कर रहे थे, हम सब एक दूसरे की कर रहे थे, उसके तो कोई काम मतलब तुमको मस्ती करनी हो, बोले मस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो डबल मीनिंग क्रैक करते हैं जो, और बहुत ज्यादा करते हैं, दो प्रॉब्लम थे। डबल मीनिंग क्रैक करने का तो वैसे एक ही जने का नाम लिया था, कौन हो सकता? मार्मिक मार्मिक को छोड़ के और कौन हो सकता है? सर हम मार्मिक तो सर अब वो क्यों? डबल मीनिंग लेते तो हम क्या कर सकते सर। सर तो लेकिन तू तो छेड़ता क्यों है उसको बुलाया भी नहीं था सर, सर? सच में उसको कोई भाव भी नहीं देता सर, फिर भी भाव भी क्यों नहीं ऐसे देता पागल सर। वो होती मेरी रहती है? मस्ती करने आती है, उसके बाद लिखती है कि हम दोनों दोस्त हैं तो हम मस्ती कर सकते हैं। उसमें पूरा मैसेज था सर, 4 दिन के बाद मैंने वो मैसेज पढ़ के रिप्लाई दिया उसको। अभी क्या मैं बोलूंगी तुम्हारे सर यहाँ, पूछ लो सर, पूरी क्लास साक्षी है सर। मतलब कोई कोई बहुत कीड़े बुलाता भी नहीं है सर कभी के लिए, उसको। वो कोई खुद बोलती है ना तो हो जाती है फिर उसकी मस्ती, फिर वो किसी की करेगी तो सामने कोई तो करेगा ना। वही सर अब मेरे ऐसा है कि बेटा यदि यदि उसको एक तुम्हारी वो मस्ती कर रही है जिस टाइम, तो उस टाइम सर को कंप्लेन कर दो, समझ में आ रहा है? लेकिन तुम उसकी मस्ती करो। हाँ सर बस ये है, क्योंकि देखो तुम्हारे स्कूल के टीचर भी हैं, तुमने मान लो यहाँ पे बिगाड़ दी, फिर तुम्हारे स्कूल में फिर मैम किसी सर को बोलेंगे, वो समझ रहे हो तुम? अभी क्या बोलूं मैं, अभी समझ जाओ अभी। सर, तो हम बोल देंगे सर इसको बोलो मस्ती ना करे, फिर इससे सहन नहीं होता है। नहीं अभी अरे मैं सिर्फ दोस्त खेल रहे हो, मैं सिर्फ दोस्त खेल रहे हो, हम ही भी करेंगे खत्म, हम करेंगे मस्ती जैसे तुमको लग कभी, चलो थोड़ा 5 मिनट कम कर लो बस, खुश। अरे सर अब तो करते भी नहीं है ना सर उसकी मस्ती तो। सर उसकी क्या, कल तो पूरी क्लास में कुछ बोला ही नहीं किसी ने, सिर्फ पढ़ाई हुई पूरा टाइम। ऑलमोस्ट पूरा टाइम। हाँ चलो अभी अभी इलिप्स यस आ जाए अपन सब लोग। सर यस सर। बेटा देखो इलिप्स होता क्या, पहले सुनना, एक मूविंग पॉइंट पंकज रखड़ रहा, देखो एक रखड़ दिख रहा ऊपर पी बनाया, हाँ दिखा यस दिखा। ठीक है? अभी क्या हुआ, पंकज साला हरामी है, कैसे? सर्कल में पंकज ने क्या किया था पहले तुम देखते जाओ, सर्कल में क्या कहता पंकज ये था, और वो एक मूविंग पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरीके से घूम रहा था कि हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके घूमे चल रहा था, दिख रहा तुमको ये सर्कल शेप थोड़ी दिल वाली बन गई है ऐसे ये, तो हमेशा तो यहाँ पे क्या था, एक मूविंग पॉइंट था और दूसरा क्या था, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट सेंटर था और मूविंग पॉइंट जिस रास्ते पे जा रहा था उसको क्या बोला, सर्कल। क्लियर? यस सर। अब आते किस पे आते थे, पैराबोला। पहला बोला पैराबोला में पहला पंकज बोला अब पॉइंट से मेरा दिल भर गया है, लाइन लाओ लाइन खींच लो। लाइन भी लेके आओ लेकिन पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा। तो पंकज ने इससे और इससे दोनों से डिस्टेंस का क्या बना ली थी, बराबर सर। तो ए पी सी इक्वल टू पी एम, मतलब और पी सी बाय पी एम को एक सेक्सी नाम दे दिया गया था, क्या एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बेटा, इसेंट्रिटी पैराबोला की 1 होती है, ई की बेटा इसेंट्रिटी ई की पैराबोला की कितनी होती है, वन वन अब ध्यान रखना। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? लेस देन लेस देन वन। यदि मैं कल वो तुमसे पूछूं कि इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तुम तो यही बोल दोगे ऐसा कॉनिक जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी, उस कॉनिक को क्या बोलेंगे? लिप्स। पहली सिंपल डेफिनेशन, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा किससे आएगी, लेस देन वन। ये बात चमक गई तुम्हारे को? यस सर। यस यस सर। लेकिन एक डेफिनेशन जो मार्केट में और भी ज्यादा फेमस है, ये डेफिनेशन चलती है कि जिसकी सेंट्री 1 से कम
लेकिन एक डेफिनेशन और भी चमकती है, उस डेफिनेशन को बेटा बोलते हैं कि देखो अभी वो डेफिनेशन क्या है, तुमने तुमने शायद ग्रेविटेशन चैप्टर होगा तुम्हारा फिजिक्स में, yes, sir. Yes, बोर्ड में हो गया, उसमें क्या होता है ये जो पार्टिकल इसमें मूव करते हो क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, सन या मून, वर्टेक्स, अरे तुम वो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सन या मून कौन घूमता से, ओह कोई भी प्लेनेट, और ये वाले क्या होते फिर सन और मून, सन होता है, सन की होता है, वो तो कुछ होते होंगे ना, देखो बोलते ना इलिप्टिकल शेप में घूमता है, केपलर्स रूल, हां हां सर, दो पॉइंट होते हैं, नहीं एक पॉइंट और ना दे, फिक्स दो पॉइंट है, सन और अर्थ, अर्थ मून इलिप्स में चला गया, हां मून रख दो, वो तो दोनों को दोनों से घूमता है ना, हां तो वो देखो वो देखो जो भी ये प्लेनेट की मतलब प्लेनेट होता है क्या क्या होता है वहां पे क्या होता है घूमते तो, सर मैं घूमता हूं रख दो ना, तुमको फिजिक्स नहीं समझनी है, और उसमें एक को ऐसे मानते हैं दूसरे को नहीं मानते, ठीक, अरे अपने यहाँ दो लेके आते, अब सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से, किसका माइक उल्टी सीधी आवाज कर रहा है, बस अब सुनने को रेडी हो, यस सर, कोई लेटा तो नहीं हुआ, नहीं सर, किंचु के अलावा, किंचु बीमार था इसलिए, बेटा सुनना, एक मूविंग पॉइंट पंकज इस तरीके से मूव करे, बोला मैं दोनों को मैं इक्वल टाइम दूंगा, ये पंकज दो दो पे लाइन मार रहा है, दो दो फिक्स पॉइंट पे, यहाँ पे कितने पॉइंट है फिक्स पॉइंट, दो, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो वो किस ट्रैक में जाएगा, इलिप्स, किस ट्रैक में जाएगा वो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार है यहाँ पे कितना छह, तो ये कितना सम हो गया, दस। अगली पोजीशन पंकज ने ये वाली ले ली पी वाली, तो अब देखो ये ब्लू वाले देखो पी, ये मान अभी ये सात मान लो, ये तीन मान लो, अभी भी कितना होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए, ये मान लो पी, ये अभी इस पोजीशन में देखो ये दो मान लो और ये पूरी कितनी मान लो, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पी पंकज क्या कर रहा है, एस वन से और एस टू से डिस्टेंस का सम पी पंक वेरिएबल पॉइंट का, दुनिया नो छेड़ो वेरिएबल पॉइंट का, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता दिख रो, कॉन्स्टेंट, ऐसे जो पाथ जो पंकज जिस पाथ पे ट्रेस करेगा उसको क्या बोलेंगे, एलिप्स नहीं है, तो तुमने बोला सर यहाँ पे दो फो आएंगे फोकस, मतलब यहाँ पे कितने फोकस, दो, तो दो फोकस, तो फोकस या तुम मार्केट से फोकस लेने जाओगे ना, अरे किसके घरे वाद आवड़ तुझे बेटा, मार्केट में बेफोकस आवे है ना, मतलब से छे बाय वन गेट बाय वन फोकस गेट वन डायरेक्ट्रिक्स, कितने डायरेक्ट्रिक्स आएंगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, दो, मतलब इलिप्स की शक्ल में दो दो एफ आएंगे और दो क्या आएंगे, डी डायरेक्ट्रिक्स, समझ में आ रहा है, तू सोचो ना बेटा एफ है तो डी तो होगा ही होगा, फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स, बिना एफ के डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है, और उल्टा बोल दिया, क्या हो गया, तो गलत बोल रहा हूँ मैं, हेलो हेलो, हाँ सर, यस सर, बोला तो नहीं बोला बेटा, नहीं सर, नहीं नहीं सर, सही जा रहे हो, बुरा बोला तो भी हमको समझ नहीं आया कुछ, तो बेटा दो फ होंगे और बाय एक फ, फ तो तभी होगा जब डी होगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स, तो दो कितनी होंगी, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, खुद सोचो पैराबोला अकेले एक से, पैराबोला में देखो ऐसा सी था तो एक फोकस था, क्या थे डायरेक्टर, अब फिर इसको इस सी को मिलान कर दिया, दो सी तो दो एफ और दो डी, समझ में आ गया, यस सर, यस, अब तुमने बोला कि सर पैराबोला की डेफिनेशन क्लियर है, मैंने बोला क्या डेफिनेशन है, तुमने बोला सर दो दो डेफिनेशन बता सकते हैं, एक तो ऐसा कौन है जिसकी सेंट्रिटी क्या हो लेस देन 1, अब स्कूल की मैम पूछ ले सेंट्रिटी क्या होती है, तुमने बोला मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, वो एक से छोटी होगी तो भैया इलिप्स, इलिप्स, ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक मूविंग पॉइंट का
दो फिक्स पॉइंट डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। ये अपनी लैंग्वेज में ये दोनों चीजें लिख लो। एलिप्स के लिए मैं लेस देन 1 लिख देता हूं, ठीक है ना? ये दोनों दो डेफिनेशन छोटे बस ऐसे पॉइंट वाइज लिख दो, ज्यादा डिटेल में मत लिखना बोर्ड में। श्री बैंक कॉलोनी जैन संघ जमनगर तेज प्रकाश सोसाइटी काजू कतरी धारी, धारी क्या होता है? वो भी स्वीटी है। स्वीट है क्या? हाँ सर। मोतिया, मोतिया मोती चूर होगा सर। सर मोतिया लड्डू का टाइप होता है सर। हाँ, लड्डू जैसा होता है। हाँ, मोतिया चूर तो लड्डू सुना है, लेकिन मोतिया पता नहीं। वो भी मोतिया तो सर, सर। और आंख में कोई प्रॉब्लम है मुझे पता है, यही बोलेगा। जम्बू भी होते हैं, जम्बू नाम का कोई अंजीर पाक, मतलब अंजीर पाक होगा कुछ ऐसा, वो नहीं कर। लीला नारी चर नॉट टोपरा पाक, लीला नारी नारी पाक, लीला नारी टोपरा। सेव, ओ सेव, ड्राई फ्रूट चेवड़ो। संगना परम श्रावक श्राविकाओं ने नूतन वर्ष ना अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इसे पढ़े। शियाड़ा माटे अड़दिया कटलू खजूर पाक परसान परसाना सही लाडू मड़शे। वाओ, ये मेरे को आ गया, देखो पढ़ने में बेटा इसकी मैं, अच्छा मैं ये क्यों लेके आया बताऊं, बताऊं क्यों लेके आया बताऊं? यस सर, हाथ का प्रॉप। ये बेटा फैब्रिक है, ये फैब्रिक। तुम देखो, देखो मेरा मेरा पैशन देखो, देखो मैंने अभी देखो देखो ऐसे दिख रहा पढ़ रहा हूं। हां सर, ऐसा इसके लिए अपने को चिनमे के लिए ड्रेस बनानी है अभी। लेकिन उसमें वो हैंडल क्यों है ऊपर? पकड़ने के लिए ड्रेस, कभी बेल्ट ना अवेलेबल हो तो। अब इसमें देखो, इसमें कितना मस्त लगेगा, ऐसे प्रिंट्स के ऊपर अड़दिया लिखा होगा। इसमें मेटा एटिकेट एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी? नहीं नहीं बेटा, तो खाने पे चिन में पहन रहा है टोपरा पार्क ड्राई फ्रूट और नूतन वर्ष में अभिनंदन, तो चिन में के लिए भी चैरिटी है, चैरिटी चिन में भी क्या? चिन में येलो कलर चलेगा या कोई और कलर? बेटा बेटा देख, इतनी एक तो फेमस डिजाइनर ड्रेस बना रहा तेरे लिए, ना तो बोल ही नहीं सकता तो चिन में। बेटा लिख लिया तुम लोगों ने? चेंज करना है तो कर लो। हां सर, लिख लिया डिफाइन। हां सर, लिख लिया। चलो आगे आ जाओ, पंचायत कर रहे अभी थोड़ी और। यस यस सर। अब अपन बेटा जो मैं जो एनसीईआरटी में यूज किए वही टर्मिनोलॉजी यूज करते स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, बनाए? यस सर। जैसे पैराबोला की बेटा यहां पे इक्वेशन क्या थी याद है? स्टैंडर्ड y² = 4ax 4ax 4ax। ऐसे इलिप्स की एक बार हालांकि आती है, लॉजिक इसका होता है कि ऐसे क्यों आती है, लेकिन अभी अपने को वो काम की बात नहीं है। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा वो होती है x² = x² / a² + y² / b² = 1 1। अच्छा सोचो यदि मैं b की जगह a ले लूं, b की जगह क्या ले लूं? a a। सोचो तो ये तो उसके में सर्कल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। हां सर, यस सर, यस सर। ये तो देखो ऐसा बन गया x - 0 cos² y - 0 cos² = 2। सेंटर कितना होगा? 0, 0। यस सर, हां सर। ये कितना हो गया? a a। तो यदि b की वैल्यू a हो गई या a की वैल्यू b हो गई तो यहाँ पे क्या a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b b। अच्छा हालांकि एलिप्स का एक पर्टिकुलर केस तो सर्कल भी हो सकता है भाई, ये हाँ सर हो सकता है। अभी अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? लेकिन इक्वेशन याद रहेगी x² / a² + y² / b² = 1। अब नमन बोलता है सर डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना देते हैं बेटा। इधर देखो बेटा, हम पहले दोस्तों ये मान के चल रहे a बड़ा है b से, क्या मान के चल रहे a बड़ा है b से। हाँ, अब a तो नमन ने x को जीरो किया, नमन ने x को जीरो किया डायग्राम बनाने के लिए, सोचो तो y की वैल्यू नमन को कितनी मिल गई?
वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई प्लस एक्स को जीरो किया नंबर को वाई की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस बी बी। तो नंबर सोचा नंबर ने बोला एक्स को जीरो किया वाई की वैल्यू में प्लस माइनस बी, उसने ये लोकेट कर दिया एक्स को जीरो किया वाई की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस बी बी। समझ में आया इतना? यस सर। फिर डायग्राम बनाने के लिए वाई को जीरो कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई प्लस माइनस ए, और ए थोड़ा बड़ा रखा है बी से इसलिए मैं थोड़ा को ज्यादा बना देता हूँ। खसकाइलो खटिया इन पॉइंट्स को बुला दो तो ये क्या बन गया एलिप्स। और थोड़ा डायग्राम प्रॉपर लगे हम भी कम थोड़ी हैं। ओहो हो जब टैलेंट है सर। ठीक है ये बेटा कोरोना मैं नहीं जाता तुम बीमार हो जाओ अभी। हाँ हाँ सर। किंचु सही में बेटा ध्यान रखना चाहिए ना, अभी लाइव का क्या मतलब बेटा, अभी ऑफलाइन होता तो किंचु क्लास ले पाता नहीं। सर ये सब चला गया उसके बाद। नहीं मैं चाहता हूँ कि सर का भी मन नहीं कर रहा ऑफलाइन पढ़ाने का। बेटा देखो कितना मजा से बैठ के पढ़ा हुआ ऐसे। अब आ जाओ देख, अब देखो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कितने फोकस होंगे दो दो। अब फोकस कहीं यहाँ पे और नहीं चाहूं मैं, रेड वाले फोकस है दिख रहा तुमको? यस सर। पहला फोर वन और दूसरा फॉर टू। अब इसके देखो उसमें पैराबोला के फोकस तो कितने होते हैं ए कोमा जीरो, यहाँ पे ए कोमा जीरो नहीं, यहाँ पे होगा ए कोमा प्लस माइनस ए कोमा जीरो। अब तुम ऐसे भी खोल सकते हो पैराबोला में ई की वैल्यू कितनी होती है वन वन वन, ए कोमा जीरो हो गया यहाँ ई की वैल्यू वन रख दो तो पैराबोला बन जाएगा ना वो। हाँ सर। अच्छा तो लेकिन यहाँ पे कितना होगा ए कोमा जीरो, दूसरा कितना होगा माइनस ए कोमा जीरो। फोकस याद भी रहेगा देखो निश्चय कैसी आवाज निकलता है ए ही। वैसे तुमको कभी लाइफ लॉन्ग नहीं बोलोगे फोक फो में कैसी आवाज आएगी, मतलब फोक सॉरी फोकस में ए ठीक है ये याद हो गया अभी तुमको? यस सर। अब मैं पूछूंगी फोकस के कोऑर्डिनेट कितने थे, तुम ऐसे मत बोलना ए कमा जीरो, यहाँ पे क्या ए कमा जीरो, दूसरा कितना होगा माइनस ए कोमा जीरो। ओ याद भी हो गया अभी फो में वैसे कैसे हो। अब फो के पास एक फो के पास क्या होती है, जब फो होता है तो डी तो होगा ना डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। यस। और ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो अब जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स में क्या होगी जो ई के बाद है वो नीचे से आएगी ए बाई ई, इसकी क्वेश्चन क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक्स इक्वल टू समथिंग होगा, और ये लाइन क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस तो ये ध्यान रखना कि ये उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू क्या होगी, इतनी क्या होगी बेटा कम होगी। अब वो मैं तुमको लेके भी दिखाऊंगा एक पॉइंट, लेकिन तुम अभी तक तुमने क्या चीजें सीखी है पहले वो देखो, पहले तो तुमने दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट याद रहेंगे क्या होगा प्लस माइनस ए कोमा जीरो प्लस माइनस ए कोमा जीरो इधर लिखता जा रहा हूँ, दूसरा दोनों फोकस के बाद क्या आएगी लेकिन इसको बोलेंगे सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जीरो कॉमा जीरो। पैराबोला में ये वर्टेक्स बनता है, पैराबोला में ये क्या बनता है बेटा वर्टेक्स।
अब तुम बोले वो सर ये क्या माइनस, इसको बेटा बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने आगे पैराबोला आगे, प्लस माइनस माइनस ए कोमा जीरो, हाँ जहां पे वो मेजर। अच्छा बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा दिख रहा है या ये देखो पहले ये वाला बड़ा दिख रहा है या ये वाला बड़ा दिख रहा है, ए वाला, क्योंकि मैंने ए बड़ा माना था ना। यस सर, मैंने डायग्राम में भी ये वाला बड़ा, ये बड़ा दिख रहा है, इसको बेटा बोलेंगे मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इसकी लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लोमा, लेंथ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लोमा कितना हो गया बेटा, तुम्हारी सोच बहुत बेकार है, लोमा कितना हुआ है, तुझे दिख रहे सस्त्याशी को, ये होता है माइनर एक्सिस, छोटा सा है ना, यस सर, इसको बोलेंगे लोमी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो कितना देगा 2b, 2b, यहाँ तक सबको चमक रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, अभी तक तो हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, 6, 6, जो LLRBI की सब, अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे दिल बना के लिखता हूँ, मतलब यदि फिलिप्स में कुछ आए ना आए इसकी दिल अन चाहिए, बताओ बेटा मैंने बी को बड़ा किया ए को बड़ा किया, ए को, ए, पक्का, जो बड़ा है जो छोटा है उसको बोले तेरे को इज्जत देते साला, छोटे को क्या देनी है इज्जत, इज्जत, इज्जत लिज्जत मत करो, तो बड़े वाले को ये रिलेशन तुमको याद, और इलिप्स की सेंट्री एक से छोटी होती है इतनी, वन माइनस ई स्क्वायर लिखा, ई स्क्वायर माइनस वन लिखा, ये रिलेशन याद होना चाहिए बी ए ई के बीच में, ये कैसे आया समझाने जाऊंगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और वैसे भी अपने एनसीईआरटी में तो काम करना चाहिए, मैं समझाऊंगा डिटेल में, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर, ये तुमको इसको पहला नंबर देना बाकी को नंबर आगे पीछे कर देना, चमक गया, यस सर, यस सर, पहले एक बार इतनी बातें नोट करो, इतना रटवाता हूं, इसमें कम से कम 12 पॉइंट है, तो 12 के 12 पॉइंट अपन लिख लेंगे, पहले इतनी पॉइंट लिख लो, कल मैं सुनूंगा वीडियो ऑन करवा के, ओ कल तो कुछ और कुछ भी है वीडियो नहीं, अरे परसों है, मैं भी कल, परसों है सर, परसों है सर, भूल जाते हो, कितनी जल्दी है सर, चैप्टर डेट, ओए कितनी जल्दी आपको है सर, नोट्स भी लेके आए होंगे वो सब, यार नोट्स की तो सर टेंशन नहीं है, वाइवा मत लेना, वाइवा आप ले लेना अमित सर को, थोड़ा करंट चैप्टर वाला पूछ लूंगा तो मैं सब बता ही देंगे, हां सर इसका पूछ लेना, इसका पूछना सर, चलेगा ओनिक्स के पैराबोला सर्कल लिस्ट के बारे में पूछ लूंगा, हां हो ही जाएगा बच्चों को, सर सिलेबस बता दो ना सर एक बार अच्छे से, सबका वाइवा का सिलेबस है बायनोमियल थ्योरम जेई का, और बोर्ड का कौन सा कॉनिकनोमियल थ्योरम, और मैं बोलूंगा यदि नहीं है तो मैं बोलूंगा देखो अभी अभी करंट चल रहा है इनको अभी यही नहीं आता पुराने की क्या करें सर, तो सब में करंट करंट ही पूछेंगे ना, ए तो सब की क्या कर रहा है सर बोल रहे उतना सुनना सिर्फ, अरे पर सर की टेंशन नहीं है फिजिक्स की टेंशन, अब तो वो याद ही मत कर अभी, ऐसा मत बोल कि सर की टेंशन नहीं है, तू मेरे में बहुत है, निश्चय तू क्या बोल रहा है, निश्चय तू क्या मतलब सही में हमको भी मरवाएगा ये सर, आपने बता दिया ना इसलिए लेबर्स जाने की टेंशन नहीं है, बट मैंने चिनमे के लिए वो चिनमे की ड्रेस के लिए वो तैयार किया डिजाइन, कट इतनी जल्दी हो गई, हो भी गई सर, ये ड्रेस में नीचे हमने लंगोट लुक दिया, कौन सा लुक दिया गोट लुक, इसमें क्या ना पुराने जमाने से वो लंगोट पहनते थे लेकिन वो ट्रेडिशन जा रहा है, तो चिनमे उसको वापस लेके आएगा इस ड्रेस के माध्यम से, तो चिनमे तुम्हें कपड़ा भी कम लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, तो लंगोट सर, सर वो अब ये सब बोल रहा है अंदर से इतना खुश हो रहा है कि बोल भी नहीं पा रहा अच्छे से, पूरा लगता ही जा रहा है बेटा, वो कुश्ती करेगा, वो कुश्ती करते हैं उसको, ऐसे बोलते हैं वो हरियाणा वाले लड़के होते हैं वो दंगल बोलते हैं, तो मूवी पता है उदय, अरे मूवी देखी थी ना सर, तूने भी अरे उदय तूने करंट में तड़कती बढ़ती मूवी कौन सी देखी थी, इसे कर फोन करो रुको तड़कती नीली मूवी है अच्छी मूवी, तू नहीं बोला
और किसने नहीं बोला? वो नीली वाली बोला, रिकॉर्डिंग पे है, सच में रिकॉर्ड कर रहा है, खुद भी रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड करा, पढ़ो पढ़ो, अरे जल्दी जल्दी लिखो बेटा फटाफट। पार्थ अच्छा बच्चा है, पार्थ गंदा बच्चा है। पार्थ का भाई अभी 12 का टेबल सुनाएगा, नहीं सुनाएगा। पार्थ का भाई अभी ट्वेल्थ का टेबल नहीं सुनाएगा। पार्थ के भाई को 10 का टेबल नहीं आता है, 10 का है। तो सुनाएगा। गलत है, गलत है, सही है, सही है। लिख लिया बेटा तुम लोगों ने इतना? यस सर। अभी वापस इसी इन्हीं को रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं, 5 पॉइंट और देखते हैं। सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अच्छा वो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसमें मैंने अपन ने क्या बोला, ए क्या होता है, बी से क्या होता है, बड़ा बड़ा, मान के चलते हैं ए। दूसरा केस भी पढ़ाऊंगा जब मैं ए लेस देन बी, इसमें तो इसमें फैला हुआ इलिप्स बनेगा, कैसे बनेगा बेटा? फैला हुआ। अच्छा इसमें दो फोकस होंगे, पहले तो पहला लिस्ट था, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर। फोकस क्या लिखा है अभी मैंने, प्लस माइनस ए माइनस 0। फोकस तो याद है, नहीं एफ होता तो समझ आना भी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई, प्लस माइनस ए बाय ई, ठीक है। वर्टेक्स प्लस माइनस ए कोमा जीरो, हाँ बेटा बोलो, मेजर एक्सिस वाला, मेजर एक्सिस वाला। सेंटर कितना, जीरो कोमा जीरो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी। यहाँ तक इतने पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आते हैं LLR, LLR क्या थी, जो फोकस है परपेंडिकुलर और मेजर एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर, माइनर के पैरेलल। वो सामने होता ना तो आज पक्का टीम आ चुका था। ये दिख रहे? उसमें तो पैराबोला में लेंथ कितनी होती थी, याद आ रहा किसी को? फोर ए। यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर, सॉरी लेंथ ऑफ LLR, LLR मैं क्या बोलूं, लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या होगा 2b² by a। ये याद होना चाहिए, कैसे आया मैं किसी के, जैसे थोड़ा रिवाइज कराऊंगा तब समझाऊंगा, अदरवाइज तो क्लियर है इतनी बातें। यस सर। नाइन्थ भी लिखा देता हूँ, एंड पॉइंट ऑफ LR कितने कितने एंड पॉइंट होंगे डायग्राम में, दिख रहा है 1, 2, 3 और कितने, चार। देखो एक a कॉमा b स्क्वायर बाय a, एक a कॉमा माइनस b स्क्वायर बाय a, एक a कॉमा माइनस b स्क्वायर बाय a, एक कौन था माइनस a कॉमा माइनस, और प्लस प्लस वाले फर्स्ट में आ जाएंगे, प्लस माइनस वाले देख लेना किस में आएंगे, सेकंड माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके प्लस माइनस फोर्थ में, सेकंड माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस थर्ड में, चमक गया। Yes, yes. और टेंथ भी इसकी चैप्टर की जान है, मैंने तुमको डेफिनेशन में क्या बताया था, PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है इक्वल टू लोमा लेंथ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, काफी सवालों में यूज करेंगे पर मिसलेनियस के। इतनी बातें क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो ये 10 के 10 पॉइंट तुमको ध्यान रखना, ये लिख लो।
जेई में तो बहुत लंबा बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अभी काम की जरूरत नहीं है दोस्ती करने के लिए, चिनमे के लिए लंगोट इसमें से हो जाएगा। लंगोट ऊपर क्या दें, पुराने जमाने में बेटा ऊपर क्या चलता था लंगोट के ऊपर? कुछ नहीं, तो वो बहुत पुराने जमाने का क्लियर नहीं, इतनी इनको पता है, इनको पता है, इसको नहीं पता इसलिए तेरे लिए बन रहा है। नए जमाने के बच्चे काम करो सर, ऊपर वो जिलेटिन पेपर आता है अलग अलग कलर का, वो रखो बेटा ऊपर। मैंने सोचा है स्वीट रखते ओरिजिनल लड्डू नहीं, लड्डू नहीं बेटा, थोड़े फ्लैट बर्फी टाइप जैसे, वो काजू कतली जैसे। सर उसमें डिमेरिट है, टोपरा भाग भी फ्लैट जैसे होता है, क्योंकि सर या तो वो परमानेंट नहीं पहन सकता ना, या तो वो खा जाएगा या तो वो बिगड़ जाएगी या फिर कोई और खा जाएगा, हमें क्या पता मतलब। एक भाई मेहनत इतनी की है तो पहनना तो पड़ेगा जितनी बार पहनना है उतनी बार स्वीट रिफिल करनी पड़ेगी भाई। ऐसी कोई मिठाई है जो काफी दिन तक चल जाती है? नहीं बेटा तूने नीचे, तूने देख नीचे वो तरह लंगोट में तो लिखा ही हुआ है वो सारे के। मिठाई तो नहीं है सर, सर उसमें जो जो लिखा है ना वो सब इसको स्टॉक में दे देंगे, वो सब बदलता रहेगा बस थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं गाय का वही लगा देते हैं बेटा, क्रिएटिविटी तो दिन में तो अपनी पसंद की चीज ही लगाएगा। क्या रखे ऊपर बेटा, कोई ऐसे ड्राई फ्रूट? पापड़ी चल जाती है बहुत दिन तक, ड्राई फ्रूट रख देना ओरिजिनल बस। सोन पापड़ी में से बहुत वो खरता है सर, बाद में वो गीला हो जाता है। क्या बेटा ना तो क्या आएगा, वो तो हम सब पहनते हैं, वो तो पहनते ही हैं, उसमें नया क्या क्रिएटिविटी क्या है सर। एक काम करो फ्रिज ही बना दो ऊपर, उसके अंदर तो स्विच चल जाएगी। जितने अच्छी बात की सर, फ्रिज क्या बना दो ऊपर, फ्रिज फ्रिज बना दो ऊपर, फ्रिज मगर भी ठंडा रहेगा सब कुछ बोले ठंडा रहे सर। ये बेटा ये तुमने चलते चलते मिठाई की दुकान लगेगा, काश इतना इंटरेस्ट तुमने पढ़ने में दिखाया हो। एनोन तक तुम लोगों में मतलब मैंने तो सोचा अकेला मैं ही बकवास करता हूँ। सर अब आप चिंता मत करना, हमें दूर कर दिया, हमें कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए सर। तो मतलब चिनमे में फ्रिज, फ्रिज कौन सा लगाना बेटा, छोटा बड़ा कैसे लगाया चिनमे में? मतलब उसके हाथों के लिए जगह होनी चाहिए सर बाहर निकलने के लिए, और मुंडे के लिए सर, वरना सांस नहीं ले पाएगा। वो सब तो वो देख लेगा, वो उसमें हमारा बांधा बांधा नहीं है सांस, हम काट के देंगे अच्छे से उसको। बीच में सर आइस क्यूब निकालने का भी होना चाहिए। लिख लिए तुम लोगों ने? यस सर, एकदम बने बनाए नोट हो तुम लोग, कोई कमी नहीं तुम में। देखो ये वाला केस पढ़ रहे हैं, कई बोले टाइम हो गया मुझे भी दिखता है, लेकिन इधर पढ़ो। मैं नहीं पता था बेटा बी बड़ा, इसमें मैंने क्या मान लिया बेटा, छोटा है। तो अभी बी बड़ा हो गया, इसमें जो शक्ल बनेगी वो बनेगी सुकड़ा हुआ एलिप्स ऐसा। ये बड़ा बन जाएगा, कैसे बनेंगे छोटा? वाओ पंकज, मेरी ड्राइंग देख के सब फैन हो गए, देख गया? यस सर, यस सर। यहाँ पे ये बी तुम्हें डायग्राम में दिख भी रहा होगा, बी बहुत बड़ा है कंपेयर टू ए, तो इसलिए उसमें फैला हुआ एलिप्स, इसमें कौन सा सुखड़ा हुआ? सुखड़ा। तो इसमें देखो यहाँ पे फोकस कहीं घूम रहा होगा, 0.BE और ये कितना 0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे फटाफट लिख लो, 0+-। और डायरेक्टरीज तो होंगी, एक ये वाली एक ये वाली, इसकी x के पैरेलल इक्वल टू y इक्वल टू b / और y इक्वल टू y - y - b / और डायरेक्टरीज क्या हो जाएगी फटाफट बोलो बेटा, +-b / सेंटर तो वही है कितना 0.0
वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, अब मेजर एक्सिस बड़ा वाला बन जाएगा, जो बड़ा है लोमा चेंज हो जाएगा, लोमा भी कौन सा हो जाएगा ओ टू बी और छोटे वाला लोमी टू ए पॉइंट आठवां पॉइंट क्या था एलएलआर ए स्क्वायर बाय बी टू ए वहां पे टू बी स्क्वायर बाय होता यहां पे कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर बाय बी नाइंथ एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम तो पीछे वाला फिक्स हो जाएगा बी ई और बी ई तो आगे वाला चेंज होता जाएगा एक तो ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई प्लस प्लस माइनस बी ई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी और दोनों माइनस ये वाले 10 पॉइंट के यहां पे क्या हो जाएगा पी एफ वन प्लस पी एफ किस इक्वल हो जाएगा टू बी टू बी हाँ बस ये सारे पॉइंट नोट कर लो काफी फास्ट पढ़ा दिया मैंने एक में पहला हुआ एलिप्स एक में क्या शुक्रा हुआ कल तो पहले मैं सुनूंगा फिर चिन्ह में कि, कल किसी ड्रेस को हम लेंगे कोई नया आर्टिकल नया तो तुम सोच के ना क्या फैब्रिक रखा जाए ठीक है नहीं नहीं सर नहीं तेरे को देखा देखे तेरे तेरे बहुत बकवास शौक है अश्लील शौक है उसको वही वही मैं पूछ रहा हूँ उदय के लिए सर कल ओम रखो सर मेरे पास फैब्रिक ध्यान में तो है एक नहीं नहीं सर उदय ठीक है गिफ्ट पेपर नहीं और पुराने जमाने में वो गाय के वो नहीं बनते अभी बनते क्या वो गोबर के थे अरे उसमें पहले घर भी बनते थे याद है तुमको इलेक्ट्रिसिटी बहुत कुछ बनता है कपड़े भी बना देंगे हाँ उसमें अपन क्या करेंगे गाय वाले के पास जाएंगे उसको बोलेंगे पहले बिल्कुल फ्लैट बना देना मतलब की फिर अपन कटिंग कर कर कपड़े बनाएंगे तो वो भी तो एक कल उसके लिए सोच के आते कुछ आइडियाज परफ्यूम भी कॉम्प्लीमेंटेड देंगे ना सर बेटा वो तो अच्छी स्मेल आएगी इस कपड़े में तो नेचुरल स्मेल पड़ेगी हाँ और भारत देश को रिप्रेजेंट भी करेगी वो ड्रेस और भारत अभियान लकली तू नहीं सर तो हाँ दोन भाई अच्छा एक बड़ा होता है बी से तो फैला हुआ एक छोटा होता है तो सिकुड़ा हुआ ओके लोमा लोमी चेंज हो जाता है उसमें ओके पर टू बी स्क्वायर बाय इसमें तो टू ए स्क्वायर बाय बी अच्छा कल बच्चों को सब कुछ याद हो जाएगा ओके कायवान दो नहीं कल तो बच्चे ने सवाल भी कर रहे कल बीस सवाल करवाने हैं हो जाएंगे थैंक यू बाय डॉन बाय बेटा मैं व्लॉगिंग करूं व्लॉगिंग मेरे व्लॉगिंग वाला ऊपर हेलो फ्रेंड्स तो व्लॉगिंग में कैमरा हिलना चाहिए थोड़ा सा तो ऐसे लगे कि व्लॉगिंग कर रहा ऐसे ऐसे कैमरा कितना अच्छा है मेरा दिख रहा है तुम्हें दिखेगा नहीं हां हां सर पीटीएम में डंडा मारने वाला है ऐसे मारेंगे ये किचन में बोलेगा सर ये तो मेरी ड्रेस है अभी कल उदय के लिए भी सोचना पड़ेगा पहले गोबर वाले से बात करनी पड़ेगी और कितना और उसमें कलर करें या फिर नेचुरल कलर करें बात करनी पड़ेगी ए पार्थ से क्या बात करनी पड़ेगी कि पार्थ के पास है या नहीं वो पार्थ का भाई अच्छा बच्चा है पार्थ का भाई गंदा बच्चा है पार्थ के भाई को 11 का टेबल नहीं आता है इलेवन पार्थ के भाई को 11 का टेबल नहीं आता है चलो लिख लिया बेटा थैंक यू फॉर द कशका अच्छा कशका बाय बाय बेटा बाय सर थैंक यू